हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस दिन कौन कौन से कार्य हैं जो आपको करने चाहिए। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करके अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात ही एकादशी व्रत का पारण करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत सर्व सुख और मोक्ष देने वाला माना गया है। एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना पड़ेगा। इस दिन चावल, मांस, प्याज, मसूर की दाल आदि का निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का ब्रश ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है। अंततः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर इसका सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें, फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या सुनें। तो दोस्तों, ये हमने आपको एकादशी के दिन कुछ कार्यों के बारे में बताया जो आपको अवश्य करने चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें।